हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की बुक प्रोज फॉर यंग लर्नर्स का जो थर्ड चैप्टर है ए डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी, उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये अध्याय जैक और एनी के मध्य एक वार्तालाप है। इसका मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को बातचीत के तरीके से परिचित कराना है। जैक और एनी की मंगनी हो गई है और वे शादी करने जा रहे हैं। वे इस अध्याय में आम रुचि की भिन्न भिन्न बातों पर विवाद करते हैं। पहले तो वे समानता के वास्तविक अर्थ पर वाद विवाद करते हैं और फिर वे दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में लोकतंत्र के यथार्थ अर्थ पर तर्क करते हैं। अब इसकी समरी की बारी। ए डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी जैक और एनी के बीच एक प्रजातंत्र और इसके बहुत से पहलुओं पर एक विचारशील बातचीत है। उनकी एक दूसरे के साथ शादी होने के लिए मंगनी हो गई है। दोनों बुद्धिमान हैं और प्रजातंत्र के विषय और प्रभावित ढंग से समानता पर तर्क करते हैं। सबसे पहले तो युवा दंपति समानता के सच्चे अर्थ पर तर्क करता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था कि सब व्यक्ति समान पैदा किए गए हैं, लेकिन इस पहलू में सब व्यक्ति बराबर नहीं हो सकते। कुछ व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा बुद्धिमान हैं, जबकि कुछ कमज़ोर और मंदबुद्धि और मूर्ख हैं। कुछ बुद्धिमान और अमीर माता पिता के घर में पैदा होते हैं, दूसरी तरफ कुछ गरीब और मंदबुद्धि माता पिता के घर पैदा होते हैं। इसलिए समानता का ये मतलब नहीं कि सब बराबर पैदा होते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि सब को बढ़ने और उन्नति करने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। प्रजातंत्र की परिभाषा देना कठिन है। इसका भिन्न भिन्न देशों में भिन्न अर्थ दिखाई देता है। अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति लिंकन ने प्रजातंत्र की लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा बताई गई सरकार जैसी परिभाषा की है। एक औसत अमेरिका निवासी का भी विचार है कि इंग्लैंड का प्रजातंत्र सच्चा नहीं है। उसके अनुसार इंग्लैंड अभी भी राजाओं, रानियों और हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा शासन किया जा रहा है। एनी और जैक अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की शक्ति पर भी तर्क करते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद को जवाब देना होता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा किसी नियंत्रण में काम नहीं करता। प्राचीन यूनान में सीधा प्रजातंत्र था, लेकिन केवल आज़ाद नागरिक ही सरकार में भाग ले सकते थे। वहाँ दासों की अधिक जनसंख्या को ऐसे अधिकार नहीं थे, लेकिन आधुनिक प्रजातंत्र में कोई दास नहीं है। इंग्लैंड में लोग पार्लियामेंट के सदस्य चुनते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का नेता होता है। उसकी मंत्रियों की टीम होती है जो अपने कार्यालयों में सदस्यों द्वारा काम करते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य लोगों के प्रति इनके कर्तव्यों के बारे में सरकार को सावधान करने के लिए पार्लियामेंट में प्रश्न समय का प्रयोग करते हैं। यदि सरकार लोगों के हित के लिए काम नहीं करती तो अगले चुनाव में वे इसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि आम वोटर के पास गहरी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने का समय नहीं है। पार्लियामेंट के सदस्य स्वतंत्र अनुभव नहीं करते। उन्हें अपनी राजनीति पार्टियों के आदेशों के अनुसार चलना पड़ता है। कुछ देशों में चुनाव के समय सिर्फ एक ही पार्टी होती है, लोगों के लिए कोई और चुनाव नहीं होता। ये देश अपने को लोगों का प्रजातंत्र कहते हैं। वह ये दिखाने के लिए इस नाम का प्रयोग करते हैं कि सारी ज़मीन, जंगल, खनिज पदार्थ की दौलत, सभी गाड़ियाँ, समुद्री जहाज, कारखाने इत्यादि लोगों से संबंधित हैं। सारे उद्योगों का मालिक राज्य है। दोनों में से कौन सी अच्छी है, निजी या राज्य स्वात्मिक, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। सब देशों में डाकखाने का राज्य मालिक होता है। ये प्रणाली ठीक काम करती दिखाई देती है। इंग्लैंड में गाड़ियाँ अपनी कार्य कुशलता रखती हैं, क्योंकि उन्हें यातायात के दूसरे साधनों के साथ मुकाबला करना होता है। यदि कोई मुकाबला ना भी होता,
पार्लियामेंट को उसकी कार्यकुशलता देखनी होती है। पश्चिमी यूरोप में प्रजातंत्र ऐसी सरकार की तरह है जो लोगों को राजनीति पर स्वतंत्रता से तर्क करने की आज्ञा देती है। वह बहुमत द्वारा शासित किया जाता है, परंतु अल्पमत के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। नागरिक वोट डालते हैं और पार्लियामेंट के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इंग्लैंड में प्रजातंत्र भी ठीक नहीं है। वहाँ आदमी और औरतों दोनों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन स्त्रियों को अभी भी सभी पेशों में बराबर वेतन और बराबर काम नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में नागरिक एक दूसरे के साथ समान बर्ताव करते हैं। किसी कारखाने में काम करने वालों के मालिक जैसी स्थिति है। वहाँ कोई मालिक नौकर का संबंध नहीं है। वे एक दूसरे के साथ समान शर्तों पर बर्ताव करते हैं।